खरगोन जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बैठक में रोचक बात यह रही कि कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रक्षा मुजाल्दे भी अपने पति के साथ कांग्रेस को समर्थन देने के लिए पहुंची थी। जब उनसे और क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी से मामले पर बात की गई तो उन्होंने नामांकन फार्म पर कुछ नहीं कहा। रवि जोशी का कहना है कि डॉक्टर रक्षा कांग्रेस की सदस्य है, वे कांग्रेस के लिए ही काम कर रही है। कांग्रेस के 3 बड़े मंत्री सोमवार को फार्म भरने के लिए खरगोन पहुंचेंगे। दोनों ही पार्टियों के कार्यक्रम सोमवार को होने जा रहे हैं। जवाहर मार्ग पर कांग्रेस तो राधा वल्लभ मार्केट में बीजेपी के आयोजन होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, शिवराज सिंह 15 साल से आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह की दुकान निमाड़ वासियों ने बंद कर दी। इस प्रदेश से शिवराज सिंह को उखाड़ फेंका, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकता, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। कांग्रेस अपनी गरिमा के अनुसार खरगोन बड़वानी जिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और जिले के 3 मंत्री और प्रभारी मंत्री आदरणीय सज्जन वर्मा जी, बाला बच्चन जी, विजय लक्ष्मी साधव जी, भाई सचिन यादव जी, इन सब के नेतृत्व में और तमाम जिले के विधायकों के नेतृत्व में हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर गोविंद मुजाल्दे जी का फार्म भरेंगे। उस फार्म भरने के बाद जवाहर मार्ग में एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिस सभा को जिले के चारों मंत्री लोग और हमारे पर्यवेक्षक लोग और तमाम जिले के विधायक लोग संबोधित करेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा लेकर, एक नया संदेशा लेकर अपने पोलिंग बूथ पर जाएगा। 19 तारीख तक पूरी ताकत के साथ वो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला देगा। रक्षा मुजाल्दे आज कांग्रेस को समर्थन देने पहुंची थी, इसका क्या कहना है? कांग्रेस परिवार की सदस्य है, कांग्रेस को समर्थन देने नहीं, कांग्रेस परिवार की सदस्य है। वो कांग्रेस की ताकत बढ़ाने आई है। डॉक्टर मुजाल्दे जी, रक्षा मुजाल्दे जी दोनों हमारे आदरणीय सदस्य हैं, हमारी ताकत उनके आने से और बढ़ी है। भाजपा द्वारा झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है, तो उसको किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का पूछा जाएगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा है भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने में। जनता समझ चुकी है, जनता ऊब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से इस प्रदेश में झूठ और मोदी जी के 5 साल से झूठ सुनकर। मोदी जी पूरे देश में नई नई चीज़ें लेके चुनाव लड़ने गए। मैं कहूँ पुराना केवल घोषणा पत्र लाए और उस घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़े तो निश्चित ही इस प्रदेश से उनकी 50 के अंदर संख्या हो जाएगी, इतना हमको भरोसा है। संगठन के निर्देश पर फार्म लिया था, अभी किसके निर्देश पर आपने? हमारा निर्णय था और अपना निर्णय करा। देखिए, कांग्रेस अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर लोकसभा की तैयारी में, सरकार बनाने में लगी हुई है। अगर किसी दूसरे दल का कोई भी नेता आए, इससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस अपने मिशन में लगी हुई है, अपने उम्मीदवार के साथ में जोर शोर से, झंडों के साथ और उत्साह के साथ में हम जाके अपने कार्यालय से चालू करेंगे और अपने उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करवाएंगे। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? देखिए, कांग्रेस के पास में मुद्दे हैं। गरीब को देने के लिए हमने 72,000 रुपये के अपने वचन पत्र में कहा है। हमने ये भी कहा है कि हम युवकों को किस तरह से आगे बढ़ाएं, कृषि क्षेत्र पर आधारित उद्योगों पर हम काम करेंगे। हम इस देश के अंदर जो नई सरकार है और पिछली सरकार की जो गलतियां हैं उसके बीच के खाई पाटने का काम करेंगे। GST में जो व्यापारी परेशान हुए हैं, हम उसको नए सिरे से फिर से उसको नया रूप देने की कोशिश करेंगे। बैंक साहूकार और कर्ज के दबाव तले एक किसान ने आत्महत्या की है खरगोन जिले में, क्या लगता है आपको कि कर्ज माफ़ी हो नहीं पाई है या किसान तक उसका लाभ नहीं पहुँच पाया? पिछली सरकार जो बदहाल छोड़ के गई थी खजाने को, हमने कोशिश की कि उस खजाने में से जितना हमने कहा था, 2 लाख रुपए तक के हमने कर्ज के माफ़ी की बात करी थी। हम छोटे से छोटे किसान का कर्जा माफ़ी कर चुके हैं, कुछ लोगों की कर रहे हैं। आचार संहिता हटने के बाद में हमने जो वचन दिया है उसे हम पूरा करेंगे। कांग्रेस के सुखलाल परमार अभी बागी होकर प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर चुके हैं, क्या लगता है आपको कि वो एक चुनौती साबित होंगे कांग्रेस के लिए? कांग्रेस को किसी की भी चुनौती नहीं है,